प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लौटते समय एक नई योजना का शुभारंभ कर दिया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना का जो लाभ है देश भर के करोड़ों से अधिक लोगों को दिया जाएगा। बढ़ते हुए बिजली बिलों की समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 के तहत देश के नागरिकों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इसमें जो है बिजली बिल की दर है उसके अंदर कमी लाई जाएगी। इस योजना का जो लाभ है ये मध्यम वर्ग और जो गरीब परिवार के लोग होते हैं इन सबको मिलेगा। इसको किस तरीके से आवेदन करना है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। 1 करोड़ घरों पे पैनल लगा करके जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनकी बिजली बिल में कटौती करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये वेबसाइट है आपको, और यहाँ पे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि नागरिक के घरों पे मतलब छतों पर जो है सोलर पैनल लगाकर विद्युत खर्च को कम कर दिया जाएगा, जो बिजली पे जो लोड पड़ रहा है उसको कम कर दिया जाएगा। और इस पैनल को लगाने पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे करके लोगों के घरों पे पैनल लगा दिया जाएगा, जिससे जो लोगों के बिजली बिल होती है उसमें भी राहत आएगी और गवर्नमेंट के पास भी जो बिजली का उत्पादन है उसके अंदर भी राहत मिलेगी। इसमें देश के जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार होंगे इन दोनों को ही लाभ मिलेगा। इसके लिए जो पात्रता होनी चाहिए, आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए तथा आपके पास रहने के लिए घर होना चाहिए और इस सोलर पैनल पे आपको सब्सिडी प्रदान होगी। जो पेपर्स लगेंगे उसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, घर संबंधी जो दस्तावेज होंगे आपके जैसे बिजली मीटर वगैरह की पर्ची या रजिस्ट्री वगैरह, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड। इसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर पे आ जाएंगे और अप्लाई फॉर रूफटॉप पे क्लिक कर लेंगे। इसके सामने आपको एक नया पेज आ जाएगा और जो पूछी गई जानकारी है आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, मतलब भर लेंगे। भरने के बाद आपके पास एक और सेक्शन आएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने के बाद इसको आपको डाल करके लॉगिन करना होगा और उसके बाद आपको डिटेल्स डाल करके अपना जो है स्कीम लॉगिन कर लेना होगा। फिलहाल ये योजना अभी चालू नहीं की गई है, तो जल्द ही चालू होने वाली है, तो आप यहाँ पर आके आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं।